हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपडेटिंग एरे इन स्टेट। इससे पहले जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो है हम स्टेट में अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया था, इस पर हमने बहुत डीप डिस्कशंस किया था। तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि ऑब्जेक्ट्स और एरे इन दोनों में मतलब एक हद तक सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। एरे जो है वो जो है आपके इंडेक्स वैल्यूज जो है एज ए की काम करता है। यहाँ पर जो है हम ऑब्जेक्ट्स में जो है हम उसका की जो है हम एज ए खुद ही हम प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो चीज़ें जो है ऑलमोस्ट जो है बहुत सिमिलरिटीज जो है इसमें कहीं ना कहीं है, ठीक है। बट स्टेट के लिए ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम का मतलब अगर मैं ये बोलूं तो मैंने इससे पहले भी मैंने ये चीज मेंशन किया है कि आप स्टेट को हमेशा रीड ऑनली समझिए, ठीक है। किसी भी केस में आप उसको रीड ऑनली समझेंगे। रीड ऑनली का सेंस ये होता है कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है, मतलब जिस वेरिएबल से मिल रहा है, जैसे कि अगर यहां पर मैं अगर आर्टिस्ट की बात करूं या इंडेक्स की बात करूं, तो ये जो है ये आपके लिए रीड ऑनली है, ठीक है। इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड मेथड है ये जो है आपको वैल्यू बेसिकली को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए सेट जो आप उसमें अगर सेट कर रहे हैं कुछ भी वैल्यू, तो वो आप जो है वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम जो थॉट प्रोसेस जितने भी वेरिएबल्स बेसिकली जो भी जावास्क्रिप्ट में होते हैं, ठीक है, सेम थॉट प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी चलता है। सेम जो है थॉट प्रोसेस जो है वो आपके एरे के लिए भी चलता है। और आप नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं हम स्टेट में, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कई बार इस चीज को मैंशन किया, या तो हम स्टेट को रिप्लेस करते हैं या तो हम स्टेट को कहते हैं कि अपडेट करो, समथिंग को चेंज करो, ठीक है। ये दो ही चीजें जो होती है ऑलवेज स्टेट के साथ होती है। और स्टेट एक लौता ऐसा मोस्टली डिपेंडेंट हुक है, ठीक है, जो कि आपके रीरेंडरिंग को ट्रिगर करता है। रिएक्ट का जो इंजन है उसमें जो रीरेंडरिंग होती है, रीरेंडरिंग इन द सेंस कि जब भी आप कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने अगर यहां पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो चेंज हुआ ये रेंडर हुआ, और इस रेंडर को स्टेट जो है ट्रिगर करता है। स्टेट बताता है कि कुछ चीजें बदल चुकी हैं और उस वैल्यू को जो भी चेंजेस हुआ है उसको जो है आप स्क्रीन पे दिखा दो, ठीक है। तो स्टेट जो है इसका एक बहुत मतलब मैं ये बोलूँ कि बहुत ही स्ट्रांग इसका रिलेशन है रीरेंडरिंग के साथ, ठीक है। तो सेम उसी चीज को हम हमें लेके चले तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स की तरह जो है जिन्होंने मेरा वो ऑब्जेक्ट वाला वीडियो मिस किया है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जस्ट इसके पिछला वाला वीडियो जो है, बाय द वे उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर एरे की बात करें तो एरे भी क्या है कि एक तरीके से जो है आपका रीड ऑनली होता है, और इसको जो है आपको हमेशा नया वैल्यू लेके जो है अपडेट करना होता है, ठीक है। हमेशा नया वैल्यू ही आप लेंगे। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग वाला है उसमें चीजें मॉडिफाई कर दें। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब एक एरे बनाते हैं, मान लो आप हमने एक एरे बनाया, तो इसमें अगर कुछ भी मुझे चेंज करना हो तो डायरेक्टली जो है मैं क्या करूंगा, ए डॉट पुश कर दूंगा, ठीक है। ए डॉट पुश करूंगा और कोई भी वैल्यू, मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे 5 करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, ये आ जाएगा, नॉर्मली आ जाएगा। मगर ये आपने उसका नया रेफरेंस नहीं लिया है। मैंने पहले ही बोला था कि आप जो है रिएक्ट में स्टेट को हमेशा रीड ऑनली मानिए और रीड ऑनली मान के ही उस पर आपको काम करना है। अगर आप यहाँ पर अगर मैं वैल्यू अगर मैं इसको दे देता हूँ 1, 2, 3, अगर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 3 डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको दे देता हूँ और इसमें अगर मैं एक वैल्यू अगर ऐड करूँगा ना, तो ये क्या करेगा कि उसे अपडेट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि
नॉर्मली हमें ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने इसको इनिशियल वैल्यू जो हमने दिया वो वैल्यू हमें यहाँ पे आर्टिस्ट पे मिल गया, ठीक है, डजंट मैटर। अभी यहाँ पे ये मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ डॉट्स तो आ रहे हैं आपके, ठीक है, बट यहाँ पर नेम्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप जो है आर्टिस्ट के अंदर जो है ये 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू तो हमें मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये रीड ऑनली होता है, और रीड ऑनली के केस में जो है हमेशा हमें क्या करना होता है, हमें एक नया एरे का रेफरेंस लेना होता है। डजंट मैटर एरे कितना बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन जब आप रिडक्स यूज करेंगे, मैं रिडक्स इसलिए यहाँ पे ला रहा हूँ कि रिडक्स मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट एरे जो है वही फॉर्मेट जो हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और रिडक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिडक्स जो है एक पूरे होल एप्लीकेशन का पूरा एरे और ऑब्जेक्ट जो है वो संभाल के रखता है, सेट ऑफ एरे और ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा संभाल के रखता है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जो है वो सिर्फ आप चेंज कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर भी जो है आप जो है एक नया रेफरेंस लेते हैं, और नया रेफरेंस लेके उसका मतलब जो एग्जिस्टिंग एरे होता है उसका कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद से एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है चेंज करते हैं, ठीक है। रिएक्ट का यही कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। डजंट मैटर कि एरे कितना भी बड़ा हो, आपको ऐसा लग रहा हो यार इतना बड़ा एरे है मैं उसमें चेंज कर रहा हूं तो ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा, बट ये उसी तरीके से बना हुआ है, तो आपको उस लेवल पे सोचना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो है एग्जिस्टिंग वाले में पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे डाल के अगर मैं ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये रीड ऑनली होता है। इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें जो है हमेशा इसका कॉपी लेना होता है, और कॉपी लेने के बाद से ही जो है हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ और इसका एक कॉपी बनाता हूँ, और कॉपी बना के देन इसमें मैं जो है इसमें पुश करूँगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इसका एक कॉपी लेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले सेट जो मेथड उसके अंदर जो है हम एरे को पुश करेंगे, और एरे को पुश करने के लिए ट्रिपल डॉट आर्टिस्ट, ठीक है, आर्टिस्ट आपका यहां का जो हमने वैल्यू बेसिकली हमने उसको उठाया, और देन अब जो है हम इसमें वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, तो अब हमारा जो है होगा यहाँ पर नया जो है वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुश करेंगे, तो हम इसे अब उठाएंगे यहाँ से, कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन ये सेक्शन जो है हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे वैल्यू जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, और मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, इसको ब्लैंक कर देता हूँ कि चीज़ें जो है सिमिलर आपको मिले, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, और अब यहाँ पर वैल्यू करते हैं और ऐड करते हैं, आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। देन दोबारा मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ, तीसरी बार ऐड करता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम जो है एरे का कॉपी यहाँ पर ले रहे हैं, और कॉपी लेने के बाद से जो है हम उसको यहाँ पर यूज़ करें। एक और एरे को थोड़ा सा डीपली समझते हैं, डीपली समझना जो है एरे को ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र का बेसिकली कंसोल जो है वो ओपन कर रहा हूँ, और कंसोल पे हम इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो लेट ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1, 2, 3, 4 दे देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेट बी इक्वल टू ए कर देता है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जो है अगर मैं इसको कंसोल करूँ, बी ट्रिपल इक्वल टू अगर ए करता हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, सोचिए। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो है मैं मुझे वैल्यू जो है वो ट्रू मिलता है। ट्रू क्यों मिलता है, ट्रू इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो हमने बी लिया है बेसिकली वो ए का रेफरेंस लिया है, यहाँ पर हमने इसका कॉपी नहीं किया है, हमने इसका रेफरेंस लिया है, इसका पूरा पूरा रेफरेंस जो है उसके पास गया, और बी जो है वो ए का एक रेफरेंस लेकर रखा है, और अगर हम बी में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो ए में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये कैसे करेगा, अब ये चीज को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि अगर मैं बी डॉट
पुश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि 5 कर दिया पुश, ठीक है। अब कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर 5 आया। आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पर हमने जो पुश किया था वैल्यू, वो तो हमने ए में किया, बी में किया था, बट वैल्यू जो है हमें यहाँ पर 5 में जो है, यहाँ पर बेसिकली ए वाला जो है वो अपडेटेड मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने उसी का रेफरेंस लिया है, ठीक है। वो मतलब मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी का लोकेशन एक ही है, बट उसके जो उसको जो जानने वाले जो है यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी। और ये ए और बी दोनों ही जो है सेम बिहेवियर करेंगे अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो, ठीक है। तो कभी भी जब आप एरे पे काम करें, एरे और ऑब्जेक्ट पे काम करें, रिएक्ट में स्टेट पे, तो आप जो है पुश पॉप ये सब जो मेथड्स बेसिकली है वो सब जो है आप यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा जो है उसका कॉपी लेना होगा। और कॉपी लेने का तरीका क्या होता है, ठीक है। कॉपी लेने के कुछ ईजीएस्ट तरीके जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप एक एरे का जो है वो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो अभी हमने यहाँ पर देखा जो कि हमने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर लिया था, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है हमने यहाँ पर कॉपी बेसिकली बनाया, ठीक है। सेम चीज़ को जो है हम यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे। तो मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ, अभी जो है मैं इस पोर्शन को यहाँ से यहीं पर रहने देते हैं, और यहाँ पर ए को भी लॉक करते हैं, और यहाँ पर बी को भी लॉक करते हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ पर लॉक करते हैं। इसका अब हमें कॉपी लेना है, तो ये एक्चुअली एरे है, तो हम इसको एक एरे और ट्रिपल डॉट जो कि हमारा स्प्रेड ऑपरेटर और ए कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि ए का कॉपी हमने क्रिएट किया, ठीक है। ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है यहाँ पे इसका कॉपी बना रहा है, इसका हमने कॉपी क्रिएट किया। और इसको जो है अगर मैं अब कंसोल करूँ डॉट लॉग, और ए ट्रिपल इक्वल टू अगर मैं बी करता हूँ, इवन अभी यहाँ पे मैंने पुश किया है ना, इसको मैं पुश को यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। हटा के अभी आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ए इक्वल टू अगर मैं बी करता हूँ तो आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में वैल्यू सेम है, 1234 1234, बट यहाँ पर जो है हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट जो है फॉल्स आ रहा है। अब मैं अगर अपडेट करने की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें चेंजेस करने की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि b डॉट पुश करता हूँ, और पुश करने के बाद से मैं एक्चुअली यहाँ पर रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में पुश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बेसिकली कॉपी लेने के बाद से क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं b डॉट पुश करता हूँ, और पुश करने के बाद से अगर मैं इसको आपको चेक कराता हूँ, चलिए ये तो वैसे भी फॉल्स ही आएगा, बट अगर मैं पुश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि B में वैल्यू इंक्रीज हो गया है लेकिन A में नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर A का कॉपी लिया था। कॉपी लेने की वजह से अब जो हम जो भी चेंजेस B में करेंगे अब वो सिर्फ B में होगा, ना कि A में होगा, ठीक है। तो पहला तरीका ये है किसी एरे का कॉपी लेने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो हम देखते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, A डॉट स्प्लाइस, ठीक है, स्प्लाइस नहीं होता है, स्प्लिट होता है, ठीक है, ए डॉट स्प्लिट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं मेथड भूल रहा हूं, सॉरी, तो वो मेथड है ए डॉट स्लाइस, ठीक है। तो ए डॉट स्लाइस भी जो है आपके एरे को का कॉपी क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ए डॉट स्लाइस कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो है यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एरे का कॉपी ले सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर अगर आप ES6 वर्जन जो है नए वाले वर्जन पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर मैं रिएक्ट की अगर मैं बात नहीं करता हूँ, तो अगर आप नए वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आप जो है स्प्रेड ऑपरेटर ले सकते हैं, ट्रिपल डॉट वाला, जो कि ईजी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ईजिएस्ट वे जो है वो कॉपी करने का वो है आपका स्लाइस, ठीक है। स्लाइस के थ्रू जो है ये आपके एग्जिस्टिंग जो भी एरे होगा वो उसका यहाँ पर कॉपी क्रिएट करके आपको दे देता है,
एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली अभी हमने दो तरीके देखे एरे को कॉपी करने का, ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा तरीका क्या है। तो अगर तीसरे तरीके की बात की जाए तो तीसरा तरीका जो है वो हमारा मैप, एक्चुअली मैप मेथड है, ठीक है। सो आप इसको क्या करिए कि इसको आप मैप कर दीजिए। मैप हमेशा जो है वो आपको एक नया एरे ऑलवेज रिटर्न करता है, ठीक है। तो आइटम रिटर्न करते हैं आइटम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आइटरेट हो रहा है यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर ये जो है पूरा पूरा एक एरे जो है ये नया एरे आपको क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है वैल्यू जो है आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एरे का जो है कॉपी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। आपको मैंने तीन सिचुएशन बताया, एक तीन तरीके बताए आपको यहाँ पे करने के लिए। एक जो है आपका वो स्प्रेड ऑपरेटर है, तीसरा जो है आपका स्लाइस है, और चौथा जो है आप मैप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक टू द कोड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम जो है रिएक्ट का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके साइट्स को जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसके साइट्स पे इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि आप जो है अवॉइड करिए आप म्यूटेट टू एरे, ठीक है। जब भी आप एरे को म्यूटेट करते हैं तो एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, बेसिकली उसके खुद के कुछ मेथड्स हैं, आपका पुश है, अनशिफ्ट है, ठीक है, रिमूव करने के लिए पॉप है, शिफ्ट है, स्प्लाइस है। तो ये सारे मेथड्स बेसिकली पहले से पड़े हुए हैं, ये मेथड्स जो है ऑलरेडी जो है एरे के साथ आते हैं, बट रिएक्ट ये कहता है कि आप इन सभी को जो है अवॉइड करिए, आप इन सभी एरेज को जो है एरे के मेथड्स को जो है आप यूज मत करिए, ठीक है। उनकी जगह पे जो है आप मोस्टली जो है आप यूज करेंगे तो या तो आप कॉन्केट यूज करिए, बेसिकली दो एरेज को अगर आपको ऐड करना हो, या तो फिर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करिए, जैसे कि मैंने बताया था स्प्रेड ऑपरेटर जो है आपके एरे का कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है। देन पॉप, शिफ्ट, स्प्लाइस, जबकि मतलब एरे में किसी वैल्यू को आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, समथिंग, वो सब चीजें करनी होंगी, तो आप जो है वहां पर फिल्टर या स्लाइस जो है इनका यूज करेंगे। स्लाइस भी मैंने बताया कि उसका कॉपी आपको क्रिएट करके देता है, प्लस फिल्टर जो है आपको फिल्टर करके देता है, आपके एरे में से वैल्यू को फिल्टर आउट करके देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेसिंग्स में जो है आप यहाँ पर मैप यूज करिए बेसिकली, ठीक है। और जो है सॉर्टिंग्स के लिए जो है आप रिवर्स या सॉर्ट यूज करते हैं, इसके लिए भी जो है आप इनको यूज कर सकते हैं, बट उससे पहले जो है उसका आप कॉपी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो कॉपी क्रिएट कर लीजिए इन द सेंस कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम अगर मैं स्लाइस की बात करूँ तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लेता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो है अगर हम इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो रिवर्स करके इस तरीके से जो है आप एक नया जो है ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने रिवर्स कर दिया, अगर मैं डायरेक्टली जो है इसको ए डॉट रिवर्स कर देता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये जो है एग्जिस्टिंग वाले को भी जो है वो चेंज कर देगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉपी जो है उसका बन रहा है, लेकिन मतलब कॉपी यहाँ पे नहीं बना, उसके सेम रेफरेंसेस पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये कह रहा है कि हर बार जो है आप कभी भी एरे में चेंज करें तो आप उसका कॉपी लें, कॉपी लेने के बाद से जो है स्टेट को अपडेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक जो है हमने ये सारे सेक्शंस जो है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, रिस्पॉन्डिंग इवेंट, स्टेट्स। स्टेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टेट पे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं स्टेट्स को समझते हुए, स्टेट्स के बिहेवियर्स को बेसिकली समझते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्टेट को बहुत बेटर तरीके से समझ लीजिए। अगर स्टेट अगर आप सही से समझेंगे नहीं, बेसिकली जो यूज स्टेट इनका हुक है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज मिलेगा। मैं ये हर बार मेंशन कर रहा हूँ, स्टेट जो है ना खुद में बहुत पावरफुल है, और उसको जो है आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हुक है, ठीक है। तो आप उसको समझिए और उसको ज़रूर डीपली समझिए। इट डजेंट मैटर कि आप मतलब बिगनर हैं या मतलब आप मिड लेवल पे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस पर जंप करेंगे तब आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो है ओवरऑल जो है ये सारे सेक्शन जो है हमारा डिस्क्राइब टू यूआई और एडिंग इंटरेक्टिविटी जो है ये पूरा का पूरा हमने कवर अप कर लिया। फर्दर जो है हम मैनेजिंग स्टेट बेसिकली जो है इसके जो टॉपिक्स हैं उसको, टॉपिक्स को जो है कवर अप करेंगे। तो मैं जो है
इसके पूरे के पूरे सीक्वेंस को बेसिकली लेके चल रहे हो, क्योंकि ये वेबसाइट जो इनका अपडेटेड वाला है वो क्लेम कर रहा है कि ऑलमोस्ट आप 80% रिएक्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। और ये बेटर होगा कि आप एक फ्लो में चले सीधे, मतलब एक जैसे बुक्स के पेजेस होते हैं वन बाय वन, और आपको उसी सीक्वेंस में बताया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो इनका है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करिए, प्लस मैं इन्हीं को फॉलो करते हुए मैं जो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने काफ़ी सारे देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला था ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप किया है, साथ में कुछ हमने छोटे छोटे बीच बीच में एप्लीकेशंस भी हम बनाते रह रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो पढ़िए और जानकारी लीजिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।